सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मोमिन अब क्यों नहीं बोल रहे इजिप्ट निकाब, क्योंकि मिस्र में इजिप्ट में जो हिजाब है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, यानी कि भाई हमारे मजहब में ये ऐसे है तो इसलिए हम कानून साजी जो करेंगे, स्टेट की जो पॉलिसी बनाएंगे वो इस रिलीजन की बेस पे करेंगे। जैसे उसमें वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया वाहिद मुल्क है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग जो परसिक्यूटेड होते हैं किसी भी मजहब के वो इंडिया। तो पिछले कोई एक दो हफ्ते से जो शोर मचा हुआ है मोमिनी से, शोर मचाया हुआ है कि ओह जी इन्होंने ये क्या कर दिया। अगर अपने मुआशरे को आपने आगे लेके जाना है तो ये जो औरतों के ऊपर जो फोल्डर रखा हुआ, तो ये मैंने आपको मुनाफ़कत बतानी थी अपने मोमिनों की कि अब आपको कोई मोमिन शोर शराबा मचाता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रांस का जो सेक्युलरिज्म है, लाइसिट है, वो बड़ा हार्श किस्म का सेक्युलरिज्म है जो कि बाकी की वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर फ्रीडम टू एक्सप्रेस रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी की वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट देखा जाता है। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट का मतलब ये होता है कि जो हुकूमत के जो फैसले हैं उसमें चर्च का यानी रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन लाइसिटे में, जो कि तकरीबन आज से कोई 120 साल पहले उन्होंने पास किया था फ्रांस में, उन्होंने उसमें ये कहा था कि मजहब को हमने एक्सप्रेस भी नहीं होने देना पब्लिक लाइफ। अब पब्लिक लाइफ का मतलब ये है कि उसके अंदर स्कूल्स भी आते हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। हालांकि इवन दो पीपल कैन हैव पर्सनल बिलीव्स, वो पर्सनल बिलीफ को रख सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस करने के ऊपर वहां पर प्रॉब्लम है। तो इस वजह से चूंकि मुसलमानों का एक नजरिया, मेरी नजर में, मेरे ख्याल से लोगों को, मैं लाइसिटे का नहीं, मैं जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जो उसके अलावा है उसका मानने वाला हूँ कि आपको एक्सप्रेस करने की भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन स्टेट के मामलात में रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी कि भाई हमारे मजहब में ये ऐसे है तो इसलिए हम कानून साजी जो करेंगे, स्टेट की जो पॉलिसी बनाएंगे वो इस रिलीजन की बेस पे करेंगे, जैसे कि मुस्लिम मुल्कों में होता। तो ये फ्रेंच सेक्युलरिज्म में और बाकी की वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में थोड़ा फर्क है। इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन मोमिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोमिन किस तरह हिपोक्रेसी करते हैं और मोमिन के पास कोई नेक नहीं है स्टैंड होने के लिए। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/harisultan पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स में अपने ख्याल के इजहार जरूर। चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्पेशली जो वेस्ट के बॉर्न मोमिनींस हैं वो भी बड़ा शोर शराबा मचाते हैं। हमें फ्रांस से अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, कभी उन्होंने पहले बुर्का फिर बैन किया, गाप बैन किया, फिर हिजाब बैन किया, फिर स्विमिंग पूल्स में उन्होंने कहा कि भाई आप हिजाब या बुरकीनी नहीं पहन सकते। ये चीजें बैन की हुई थी, अब उन्होंने स्कूल में अबाये को भी बैन कर दिया। अबाया वो होता है जो लूज से कपड़े होते हैं जिसमें आपके यू नो बॉडी के शेप्स जो है वो नजर नहीं आते, तो यानी अब उन्होंने उससे भी चेंज किया। नाउ एज एन एथियस्ट, एज अ वेस्टर्न सेक्युलर वर्ल्ड व्यू, और इवन हमारा इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो भी इससे बड़ा मिलता जुलता है कि इंडिया सेक्युलरिज्म जो है वो ये है। आई नो कि आपके बहुत सारे राइट विंग के जो लोग हैं वो कहेंगे नहीं ये सिर्फ अपीजमेंट है, ये ट्रू सेक्युलरिज्म नहीं है, लेकिन हर कंट्री की अपनी अपनी सेक्युलरिज्म है। बिकॉज इंडिया एक इतना डाइवर्स रिच कंट्री में, मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरा ख्याल अमित शाह थे शायद बोल रहे थे, बीजेपी के कोई लीडर बोल रहे थे, एंड आई वाज लाइक आई कांट डिसएग्री विद। उसमें वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया वाहिद मुल्क है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग जो परसिक्यूटेड होते हैं किसी भी मजहब के वो इंडिया में रहते हैं। इवन पारसी जहाँ पे, ईरान में जहाँ पे से वो शुरू हुए थे, लेकिन वो आज तक थ्राइव कर रहे हैं इंडिया में। यहाँ पे मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हर तरह के लोग हैं। ऑब्वियसली छोटी मोटी हरकतें हर जगह पे होती रहती हैं, लेकिन ये बात सही है कि मस्जिदों में धमाके नहीं होते इंडिया में, मस्जिदों में अहमदियों के ऊपर जुल्म नहीं होते इंडिया में। सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी वहीं से शुरू हुए, लेकिन उनके भी फटे नहीं होते। तो इंडिया एक बड़ा यूनिक किस्म का कंट्री है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी, इस वजह से वो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है कि इतने सारे लोगों को, इतने डाइवर्स वर्ल्ड व्यू के लोगों को इकट्ठे कैसे लेके चले। और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ये आसान काम नहीं है।
तो इंडियन सेकुलरिज्म वो ये है कि वहां पे सबको साथ लेके चलना है, किसी को एंटेगनाइज नहीं करना, लेकिन स्टेट के मामले में जब आप स्टेट की पॉलिसीज बनाएंगे तो वहां पे कोई भी रिलीजन आपके ऊपर सबकर नहीं लेके जा सकता। हालांकि डोमिनेंट रिलीजन जो होते हैं वो फिर भी ले जाते हैं, इसके ऊपर मुझे पता है थोड़ी सी शिकायत करते हैं हिंदू लोग, वो ये कहते हैं कि आप बाकियों को अपीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हिंदुओं का जो फंड है, जो पूरी कलेक्शन ऑफ मनी है, जो टेम्पल्स है, वो सारा स्टेट के अंडर है लेकिन बाकी जगहों पर नहीं है, तो उसका फिर आप काउंटर ये भी कर सकते हैं कि अब देखें जो अभी चांद पे जो रोवर गया है, जो सूरज की तरफ जो भेजा आदित्य मिशन, अब वो भी तो हिंदू नाम रखे हैं उन्होंने, कोई और नाम क्यों नहीं रखा। सो इट्स अ गिव एंड टेक, बट आई एम एक्चुअली हैप्पी विद इंडियन सेकुलरिज्म। ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जैसे आपको बताया कि हर चीज चलती है, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, जो मर्जी हो, आप टेम्पल भी बनाए, आप अपने त्योहारों को भी सेलिब्रेट करें, एंड वो भी ठीक है, लेकिन फ्रेंच सेकुलरिज्म है कि वो नहीं, तुमने एक्सप्रेस नहीं करना। सो Having said that, तो ये अब इन्होंने अबाया बैन किया था, उसके ऊपर मोमिनीन्स जो है उन्होंने शोर शराबा मचा दिया, स्पेशली जो हमारे इंग्लैंड के रहने वाले कुछ मोमिनीन्स हैं, उन्होंने फ्रांस को बुरा भला गाली गलौज करना। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जैसे लोग जो हैं, जो एथियस और ट्रू सेकुलर हैं, हम तो इसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं लेकिन मोमिनीन्स नहीं कर सकते, क्योंकि मोमिनीन्स जहाँ पे मेजोरिटी में होते हैं वहां पे वो कहते हैं कि हमने इसको इस्लामी मुल्क बनाना है, हमने किसी को हिलने नहीं देना। ये इन मोमिनीस को सेकुलरिज्म पसंद आती है बाहर के मुल्कों में, अपने मुल्कों में इनको सेकुलरिज्म पसंद नहीं आती। तो हम तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए रखते हैं, लेकिन मोमिनीस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखते। तो पिछले कोई एक दो हफ्ते से जो शोर मचा हुआ है, मोमिनीस ने शोर मचाया हुआ है कि ओ जी इन्होंने ये क्या कर दिया, देखो मुसलमानों इस्लामोफोबिया हो गया, मुसलमानों को जीने का हक नहीं है, फ्रांस एक शिटी कंट्री है, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये हिपोक्रेट्स है। परसों की खबर है कि इजिप्ट ने, इजिप्ट जो कि एक इस्लामी मुल्क है, उन्होंने निकाह बैन कर दिया। यस, इजिप्ट ने निकाह बैन कर दिया और बहुत सारे लोगों को शक है कि जारिबा दे हमेशा से आपको कहता चला आया हूं कि कोई भी चीज एक जगह पे स्टैटिक नहीं होती, या तो वो बढ़ इवॉल्व हो रही होती है और डिवॉल्व हो रही होती, स्टैटिक कोई चीज ही रहती। देयर इज नो सच थिंग एज अ यूटोपिया, क्योंकि इंसान बदलते रहते हैं, इंसानों की सोच बदलती रहती है और उसी के हिसाब से या तो एवोल्यूशन होती है, डेवोल्यूशन होती है। तो एनीवे, बट फॉर नाउ इजिप्ट ने निकाब को बैन कर दिया। कैन यू इमेजिन कि अगर हम यहाँ पे निकाब बैन करें इंडिया में, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता, लेकिन इजिप्ट में हो रहा है। हमने देखा है सऊदी अरब में, यूएई में, जो ट्रेडिशनल इस्लामिक सोच है उसको कमतर किया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई बहस ही नहीं है कि अगर अपने मुआशरे को आपने आगे लेके जाना है तो ये जो औरतों के ऊपर जो वोल्ड रखा हुआ है उसको आपको कम करना। इस्लाम एक पेट्रियाकल मजहब है, इस्लाम औरतों को दबा के रखता है, मर्दों के नीचे ला के रखता है, इसके ऊपर कोई शक की बात नहीं। बेतहाशा बार आपको ये हदीस दिखा चुका हूँ कि औरत अपनी मर्जी से अपनी शादी तय नहीं कर सकती, उसका मेल गार्डियन बाप, चाचा, फूफा, नाना, दादा वो करेगा, कोई औरत किसी और औरत की शादी तय नहीं कर सकती। एंड अडल्ट्रेस फिक्सेस अ मैरिज ऑफ समवन एल्स, ये सही हदीस जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो औरतों की अपनी एजेंसी इस्लाम के अंदर नहीं है, लेकिन 21वीं सदी में अगर आपने रहना है, आपने अपनी आवाम को आगे लेके जाना है, 50% आपकी जो पॉपुलेशन है वो खवातीन है, आपकी आउटपुट जो है बड़ी तेजी से आगे जा सकती है अगर आप औरतों को उठा लें। पहला स्टेप ये है कि उनको तालीम दें, उनकी उनको राइट टू मूवमेंट दें, उनकी बॉडी को सिर्फ ये ना देखें कि उनकी बॉडी से सिर्फ एक ही काम लिया जा सकता, बच्चे पैदा करना। अनफॉर्चुनेटली इस्लाम की सोच से डायरेक्टली यही निकल, और आप देख लें जहां जहां पे इस्लाम हावी हुआ है वहां वहां पे औरतों की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गई। आप अभी सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आपके पास तालिबान का अफगानिस्तान है, उन्होंने पहले उनको यूनिवर्सिटियों से बैन, फिर हाई स्कूल से बैन किया और अब प्राइमरी स्कूल से भी बैन कर दिया, और मजीद क्या अब उन्होंने उनको नेशनल पार्क्स में पिकनिक्स में भी जाने से रोक दिया। यानी एक काम है, घर में बैठो, बच्चे पैदा करो, दैट्स इट। जब आप दो तरह के इंसान, मर्द और औरत, मर्द सब कुछ करे बाहर जाके, औरत का काम है सिर्फ घर में बैठ के, वो मार ही खाएगी, फैटी खाएगी और क्या होगा। तो ये मैंने आपको मुनाफ़कत बतानी थी अपने मोमिनों की, कि अब आपको कोई मोमिन शोर शराबा मचाता वाली नजर आ रहा है कि इजिप्ट ने, मुसलमान मुल्क ने निकाब बैन कर दिया, अब उसको क्यों नहीं गालियां दे रहे, अब उसको क्यों नहीं फ्रांस की तरह पेल रहे जिस तरह बाकियों को पेलते थे। तो ये मोमिनों की मुनाफ़कत है। आई होप के मिडल ईस्टर्न के कंट्रीज का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनमें तब्दीली आ रही है, वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तो मुझे लगता है एक लॉस्ट कॉज है, पाकिस्तान एक कंफ्यूज कंट्री है, और चाहे वो
अरब के ममालिक हो, नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक हो, उनकी शायद अपनी कोई आइडेंटिटी है। मैं पहले इस आर्गुमेंट को नहीं बाय करता था कि आइडेंटिटी को मैटर करती है कि नहीं। इन द 21st सेंचुरी यू कैन बी, आप कोई भी आइडेंटिटी अडॉप्ट कर सकते बात ही, लेकिन मेरे ख्याल से कंट्रीज के लेवल पे उनकी फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, उनकी आइडेंटिटी होना बड़ा जरूरी है और उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम अपने आप को इंडियंस कहते हुए शर्माते हैं, हालांकि इतना रिच कल्चर जिसकी अब तो पूरी दुनिया इज्जत कर रही है, अब तो गोरा भी इज्जत कर रहा है, अब क्या करेंगे आप। पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर अच्छा है, ना हम इस्लामी मुल्क बन सके, ना हम एक मॉडर्न स्टेट बन सके, ना हम डेमोक्रेसी बन सके, हम कुछ भी नहीं बन सके। और अब तो तालिबान भी आपके नॉर्दर्न पार्ट्स पे हमले कर रहे हैं, बिजली और महंगाई ने आपकी आवाम की कमर तोड़ दी है, हिंदू दुश्मनी इंडिया दुश्मनी अभी भी सर चढ़ के बोल रही है। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन, व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन। मायूसी होती है लेकिन क्या करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/harisultan पर जाकर पेट्रियन में बन सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स पे ख्याल आपका इजहार जरूर कीजिए। अब तक के लिए वीडियो तक सही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रियन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था हारिस सुल्तान का, पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से इनका चैनल है और पाकिस्तानी मसाइल पे ख़ास करके, और बहुत ज़्यादा इनकी वीडियोस है और ख़ास करके जो हमारी तशद्दुद पसंद सोच है उस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं। और आज का वीडियो था फ्रांस में हिजाब को बैन किया गया, स्कूलों में हिजाब को बैन कर दिया गया, लेकिन उस पे हम बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाए। वाकई में हमें बहुत भड़कते हैं, इंडिया में कुछ हो जाए बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। इंडिया में भी स्कूल में कहा गया कि आप स्कूल में हिजाब नहीं पहन सकते, यहाँ आपने यूनिफॉर्म पहन के आना है, लेकिन हमने क्या किया कि हमने उस पर इस्लाम पे वार कर दिया, हमारा इस्लाम खतरे में पड़ गया। वहाँ अल्लाह अकबर के वो नारे लगा दिए उस लड़की ने, हालांकि मजमा था एक बहुत बड़ा लड़कों का जो हिंदू कम्युनिटी से तल्लक रखते, लेकिन किसी एक ने भी उसके करीब आने की जरूरत नहीं की। एक वाहिद और एक अकेली लड़की है, वहाँ पे मजमा है, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। तो ये होते हैं संस्कार जिनको कहते हैं। लेकिन क्या बात है, हमने फिर भी उस पर इतनी सियासत की, इतनी बात की, खतरे में पड़ गया इस्लाम, यहाँ तो जीने ही नहीं देते, यहाँ तो हमें इस्लाम से ही उठा लिया गया। अब देखें, अगर मिस्र में ये सारी चीज़ें बैन कर दी गई हैं तो फिर हमारी ज़ुबानें क्यों बंद हो जाती, क्यों हमारे ज़ुबान से नहीं निकलता कि ये जो तशद्दुद पसंद मुआशरा है हमारा, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यकीन करें, दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई है और आज भी हम इसी चीज़ों पर ही भटके हुए हैं, अटके हुए हैं। और बंद कर दो जी ख़वातीन को, यूनिवर्सिटियों से बंद करो, फिर स्कूलों से बंद करो, फिर कॉलेजेस से बंद करो, और इवन कि अब प्राइमरी तक भी बच्चियां पढ़ नहीं सकती, घरों में बैठो, और घरों में बैठ के क्या है, बच्चे पैदा करो, और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ना अपने बच्चों को अच्छी तालीम दोगे नहीं तो, एक माँ ही तो अच्छा मुआशरा बनाती है, तो जब उसके पास एक अच्छी तालीम होगी नहीं तो फिर आप कैसे एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। तो यही वजह है कि आज हम इतनी पस्ती में गिरे हुए हैं और लोग हम पे हंसते हैं और मसाले, फिर भी हमें शर्म नहीं आती। अब हमारी एक पाकिस्तान की लड़की चली गई है जी मिस यूनिवर्स बनने, और हाँ जी बेटा, और हमारे यहाँ पे बहस छिड़ गई है, किसने इसको इजाज़त दे दी, मर गए हमारा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और रोको इसको, पकड़ो इसको, मारो इसको। लेकिन क्या बात है कि पाकिस्तान का नाम ना कहीं आ जाए। तो उस लड़की को भी आज उसका मैंने बयान देखा, उसने कहा कि मैं कोई ऐसा लिबास नहीं पहनूंगी जिस पे मेरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी गैरतमंद भाइयों को कुछ हो जाए। तो ये तो हमारी सोच है, फिर हम मुकाबला करते हैं कि हम दुनिया के साथ कैसे मिल के चलें। तो यही है कि हम नहीं मिल के चल सकते, जब तक इस गंदी जहनीत से हम नहीं निकलेंगे तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। दरअसल बात यह है कि ना ही हमें दुनिया पढ़ाई गई है और ना ही हमें दीन पढ़ाया गया है, ना ही हमें दुनिया का इलम है, ना ही हमें दीन का इलम है, इसलिए तो हम ऐसे बेशऊर से बन के फिर रहे हैं। कोई सेंस नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, जिधर भी देख रहे हैं माशरे में तो क्या किया इन्होंने, हमारी तलीम का क्या बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, हमारे
ये जो हमारे करता धरता थे इन्होंने हमारी तलीम पे फोकस करना था ना, हमें तलीम देनी थी, हमें बाशोर बनाना था, और हमारी तलीम पे इतना बढ़िया माफिया आके बैठ गया कि वो तलीम आम आवाम की पहुंच से तो बहुत ही दूर थी। अगर आपको तलीम आ गई तो शऊर आ जाएगा, शऊर आ जाएगा तो फिर आप अपना हक मांगना शुरू कर दोगे। तो यही सारी चीजें, एक औरत है वो आगे बढ़ना चाहती है, दुनिया में अपना नाम करना चाहती है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है, तो उससे जो है ना मुल्क का भी नाम बदनाम हो जाता है, मजहब का भी नाम बदनाम हो जाता है। लेकिन एक मुल्ला मदरसे में बैठ कर जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी भाई आती है, जहाँ करता रहे, उसकी वीडियो भी आ जाए, सब कुछ भी आ जाए, लेकिन उससे नाक नहीं कटती। नहीं ठीक है, तो अगर कटती है तो एक औरत जात की जो है ना वो आगे बढ़ने से कटती है। तो जब हम इस चीज से निकलेंगे तो फिर ही हम आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम वैसे ही है जो आज हमारा हाल है, इससे भी आने वाला हाल जो बदतर है। हम देखें, हम ना तो पूरे मुसलमान बन सके और ना ही हम इंसान बन सके, लेकिन बदकिस्मती से कहते हैं ना तीतर रहे और ना बटेर बन सके, पता नहीं हम क्या हेर फेर ही है सारा कुछ, किसी को कोई पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या। देखिए दीन का इलम है ना, तो हमने कुरान को तर्जमे के साथ 95% लोगों ने तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ा ही नहीं है, तो जब पढ़ा ही नहीं है तो आप क्या उसकी तर्जमानी कर सकते हो अपने ऊपर। फिर देखिए अगर किसी ने पढ़ भी लिया है तो अपने ऊपर लागू नहीं किया, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर लागू कर देते तो फिर आप कानून से बालातर नहीं है। कुरान में मर्द और औरत दोनों को बराबरी का हक दिया गया है, लेकिन चीज है कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो है ना वो बातें भी की जाती हैं कि ये देखिए जो औरतों को यहाँ पे जो नीचे रखा गया है, गवाही जो है ना दो औरतों की है एक मर्द की है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। तो चीज ये है कि हमें औरतों को पढ़ाना चाहिए, उनको बाशऊर बनाना चाहिए। एक औरत एक माँ होती है और एक माँ एक मुआशरे को जन्म देती है, एक पूरी नस्ल पैदा होती है, उससे आगे चलती है, और वो नस्ल क्या माइंड लेके आगे चलती है, जो माँ ने उसको तरबियत दी होती है। तो जब माँ के पास ही जो है ना अपने पास तलीम नहीं होगी, शऊर नहीं होगा, काबिलियत उसके अंदर डेवलप नहीं होगी, तो फिर वो क्या करेगी। पहले वक्त में क्या होता था, माएँ जो है ना वो तलावत करती थी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी बच्चों के अंदर, कि ताकि हमारे बच्चों के किरदार जो है वो डिवेल्प हो जाए, ठीक है। वो कहानियाँ आज भी हम पढ़ते भी हैं, लेकिन आज हमारी माओ के पास वो टाइम ही नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। क्यों? क्योंकि हमारे जो बड़े थे, हमारी जो माएँ थी, उन्होंने हमारे किरदार के ऊपर जो है ना वो इतनी तवज्जो नहीं दी। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम औरतों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको एक बाशऊर एक काबिल औरत बनाएं, ताकि मुआशरे का जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो सके। मर्द कभी भी मुआशरे को नहीं सुधार सकता, अगर सुधारना है तो वो औरतें ही सुधार सकती हैं। आज देख लें, इसकी ताज़ा मिसाल है बांग्लादेश को ले लें, हमसे 50 साल पहले वो अलहदा हुआ और उसने जो है ना एजुकेशन में तवज्जो दी, दिफा का और उतना बजट नहीं है जितना उनका तलीम के बजट है, उन्होंने अपनी औरतों को जो है ना तलीम दी। आज उनकी औरतें उनकी मुआशरत में रीढ़ की हड्डी हैं, 90% जो है ना औरतें उनकी जो है ना वो एक्सपोर्ट के अंदर जो है ना काम कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एशिया के अंदर। तो यही सारी चीज़ें हैं, हमें औरतों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको बराबरी के हक देने पड़ेंगे। जब हम औरतों को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, मुझे तो मोदी जी की ये बात ही बहुत अच्छी लगती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो उनका नैरेटिव है ये भी बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए, औरतों को उनका हक देने चाहिए। ऐसी अब देखिए इस चीज के ऊपर भी भारत नहीं जागी, जी मिस्र ने कर दिया, वो फ्रांस ने कर दिया, जी अब यहाँ पे हमने आग लगा दी पूरे पाकिस्तान, इंडिया में कर दिया, इंडिया में हो गया, तकलीफ हो गई, लेकिन आज क्यों नहीं तकलीफ हो रही उन मुल्लाओं को। एक लड़की जो है ना वो चले गई, पूरे जो है ना मौलवियों के बयान आ गए, आज मिस्र में जो निकाब के ऊपर पाबंदी लग गई, किसी का वो बयान कोई मजम्मत ही नहीं आई। अब इसके रसूल कहाँ पे चला गया, अब वो पाबंदी, अब वो सारा कुछ इस्लाम पे है। हमें वही चीजें पसंद है जो हमारे फायदे के लिए है, हर एक चीज, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो दीन हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे हमें हमारे मुआशरे का रहन सहन हो, जो चीज़ हमें सूट करती है वो अच्छी है, जो हमें सूट नहीं करती वो चीज़ बुरी है, चाहे उसमें जितनी मर्जी अच्छाइयाँ चुकी हो। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था आज का, अगर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए